अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद ग़दीर मुबारक। तो जनाब आज हम जा रहे हैं ईद ग़दीर की नियाज पे और मौसम कदरे बेहतर हो चुका है तो शुक्र है अल्लाह का, वरना बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इस मौसम में भाई। एंड एज़ यूजुअल मेरे से पहले इशाल को बहुत जल्दी है जाने की, तो अभी गाड़ी बाहर निकाली ही थी तो इशाल पहुँच गई हैं कि उनको बिठा दें, ये कन्फर्म हो जाए कि इशाल जा रही हैं, बाकी भी खैर है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़, थैंक यू। तो हम जनाब बैठे गाड़ी में एंड हियर वी गो। ये स्ट्रीट जो साइड्स पे स्टॉल्स लगे हुए थे वो जितने मज़े के लग रहे थे शाम की लाइट में, और ऐसा लग रहा है इसमें लाहौर की सड़कों में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। वी आर इन मुल्तान और जनाब हम इंजॉय करते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ खाएँगे मज़े मज़े के खाने। अच्छा द फनी थिंग इज़ कि जब खाना लगा और मैं खा रही थी तो मुझे खाने के साथ साथ ये भूल गया कि रिकॉर्ड करना है कुछ, तो ये बाकियात हैं खाने की जो खा के हम फारिग हो चुके हैं और अब आइसक्रीम एज अ स्वीट डिश जो है वो सर्व हो गई है। सो बस अब मुझे याद आया कि यार एक शॉट ही ले लें आइसक्रीम का। अच्छा तो ये तीन वो बंदे हैं, बच्चे हैं, खैर मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, मेरे से बहुत बड़े लगते हैं। तो ये आइसक्रीम सर्व कर रहे थे, सर्व करके अब ये खड़े हो गए हैं कि हमें आइसक्रीम दी जाए, यानी अब बाकी जो आइसक्रीम बची है उस पर ये कब्जा बचेगा। बस मुर्तजा मैं आगे आती हूँ इसका सर कट जाता है। बेचारे के हाथ से ले गया। अच्छा जी चलो ईद है तो ईद के दिन कपड़े चेक कर लेते हैं। दीज आर माय शूज़, हमने सब कुछ नया नया लिया, सो द वॉच कंपल्सरी। और ये बैंगल्स हैं जो मामा ने मुझे कोई 6-7 महीने पहले दी होंगी और मैंने अभी तक नहीं पहनी थी, स्पेशल हैदराबाद से लेकर आई थी। खैर कि अभी मैं अपनी चूड़ियों का एडमायर कर रही थी तो मुझे गोलगप्पों की आवाज़ आई और ये हमने फिर दौड़ लगा दी गोल गप्पों की तरह। अभी मैं गोल गप्पों का शॉट ले ही रही थी कि एक गोल गप्पा नीचे गिर गया। मेरी शक्ल देखकर रेड़ी वाले बाबा जी ने कहा अच्छा ये लो एक और गोल गप्पा, उन्होंने मेरी प्लेट में रख दिया, बहुत शुक्रिया। खैर फिर प्लेट पकड़कर मुझे जगह नहीं मिल रही थी कोई, तो हमने कहा अच्छा यहीं पर गाड़ी के रख कर और खा लेते हैं। अब जैसे मीठे के गिर्द मक्खियाँ नहीं आती इसलिए गोल गप्पे एक गिर्द हम जितनी लड़कियाँ थी वो सब इकट्ठी हो गई थी। बकरा आपका इसको गिरा दी। ओ भाई बहन क्या कर रही है, तो खा के नहीं रही है ये ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। 2-3 बर्गर बहुत ही बर्गर था। गोल गप्पे हम ख़त्म कर चुके थे लेकिन जो खट्टा पानी था वो बहुत ही मज़े का था, तो हमने एक और कप रीफिल कर लिया ताकि हम मज़े ले लेकर और पी सकें। इस तरह जनाब तो खाना पीना करके गोल गप्पे खा कर और एक बहुत ही मज़े का टाइम गुजार कर हम घर की तरफ वापस चल दिए हैं। अब लेट काफ़ी हो गया था तो इशाल पैनिक कर रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो दिस बम बम बोले और इस तरह से हम पहुंच चुके हैं घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।